हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चुन गाँव। मैं आपका दोस्त चिकू, आज मैं एक नए वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। ये देख गाइस, हमारे गांव में ये रुक चुका है, इसको बोलते हैं धान का फसल। जो आपको मैंने बिहन दिखाया था, देखिए बिहन यहाँ पे रोपा चुका है ये बड़ा सा खेत में। और इधर से देखिए गाइस, अभी पानी जाने का सिस्टम यहाँ पर चालू है मोटर के द्वारा, खेत पर जा रहा है। खेत ऐसा जो इसमें पानी दिख रहा है वैसा ही दूसरे खेत में पट रहा है पानी। तो चलते हैं आगे, चलिए। यहाँ पे देखिए पूरा पूरा दम कचकील हो चुका है, मतलब गीला हो चुका है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें। तो ये देखें, वो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा कि बिहन कैसे रखा हुआ है वहाँ पे, वो कल रोप दिया जाएगा पूरा खेत में। और ये अभी बिहन यहाँ से कबाड़ लिया जाएगा। ये देखिए कबाड़ करके कैसे रोपा गया, देखिए यहाँ पे ये कबाड़ा गया है और इधर पे ये रोपा गया है। तो ये देखिए, चलो लोहा के, मेरा लोहा कुमार दोस्त आगे जा रहा है। देखिए इसको अभी आड़ी छीलना है, जो कि आपको इधर ये घास घास दिख रहा है, इसको छील दे गए तब ये बढ़िया होगा। तो आगे चल, मेरे वीडियो में आगे बनते रहें। ये देखिए यहाँ पे पिछुल है, और ये देखिएगा इधर पे रोपने का काम चल रहा है। और ये देखिए कितना सुंदर से दिख रहा है रोपा हुआ। और ये लोहा कुमार कैसे चलो लोहा, इसे इसे मैं यार चलो ऐसे कैसे पानी में हिल के चलो। ये देखिए गाइस, यहाँ पे बिहन में हिलते हुए जा रहा है दोस्त मेरा, और इधर पे रोपाई कटाई छिलाई सब चल रहा है। मतलब बहुत काम करना पड़ता है इसके लिए गाइस। यहाँ पे देखिए ये देखिए, इसको मत लिए हो अभी रोपल गया। ये देखिए गाइस कितना मस्त दिख रहा है रोपा हुआ। और यहाँ पे लगभग 15 से 20 मोटर चल रहे हैं पूरा पटाने के लिए। और मैं यहाँ पे चढ़ जाता हूँ, मैं यहाँ से एक बार खड़ा होकर दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है पूरा। ये देखिए गाइस, कुछ दिन पहले आपको यहाँ पूरा दिख रहा होगा कचकी हिल, मतलब पूरा कादो वाला खेत। अब देखिए अब कैसा हो चुका है ये पूरा पूरा एकदम सुंदर लग रहा है रोपने के बाद। ये और सुंदर होगा जब ये बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मैं हर समय पर इसका वीडियो लाता रहूँगा। और ये शाम का समय हो चुका है देखिए कुछ इधर पे। और ये देखिए गाइस, वहाँ पे कुछ बंदे दिख रहे होंगे वहाँ से भी, वो देखिए आपको दिखाता हूँ, वो बिहन है उसके बगल में, वो वहाँ से बिहन कबाड़ करके इसमें रोप देंगे। कबाड़ करके एक मतलब मुट्ठा जैसा बांध देंगे और उसको यहाँ पे ला करके खेत में बिक देंगे और उसे रोप दिया जाएगा। तो ये देखिए, पहले आप पूरा, आपको उधर एक ट्रैक्टर दिख रहा होगा वहाँ पे, ट्रैक्टर से भी वहाँ पे मतलब कादो का सिस्टम चल रहा है कादो करने का। तो और यहाँ पे एक मोटर चल रहा है गाइस, यहाँ पे देखिए एक मचान भी है, मचान के नीचे मोटर है ताकि पानी हो तो मोटर पर पानी नहीं जाए। बहुत ही मेहनत लगता है गाइस खेती करने में। और बताना चाहूँगा आगे मेरे वीडियो में साथ में बने रहें। तो ये देखिए इधर, मैं यहाँ पे वीडियो रोकता हूँ, मैं आगे दिखाऊंगा कैसा है। तो ये देखिए गाइस कितना बड़ा बड़ा बिहन हो चुका था यहाँ पे, इसको देखिए इतना खेत में से कबाड़ लिया गया था तो और इधर रोप दिया गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, वहाँ पे रोपाई का काम चल रहा है। कुछ वोमेन दिख रहे होंगे वहाँ पे, वो रोप रहे हैं इसको, बो रहे हैं। और ये देखिए गाइस, ये पूरा लाइन में कितना मस्त लग रहा है। हमारा गांव में सब बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर साल बहुत ही ज़्यादा होता है गाइस, गेहूँ धान गेहूँ, मतलब सब सीजन में सब चीज़ होता है गाइस। तो हर एक सीजन में मैं हर एक का वीडियो लाऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला नोटिफिकेशन ऑल पे कर दें ताकि हर एक वीडियो आपको मिल सके। और यहाँ पर देखिए एक मोटर चल रहा है यहाँ पर, पहले चलता था डीजल जो कि बहुत आवाज़ करता था, अब आ गया है लाइन का ज़माना तो मोटर चल रहा है। मतलब इंडिया डेवलप कर रहा है पूरा, मतलब जैसे शहर डेवलप हो रहे हैं वैसे किसान भी डेवलप हो रहे हैं। पहले यहाँ पे ये सब दिख रहा है यहाँ पे, मतलब आपको दिखाता हूँ मैं आगे, वीडियो रोक करके मैं दिखाऊँगा उसके बारे में बताऊँगा। तो पहले ये देख लीजिए पूरा घूम करके, वहाँ पर भी रोकने का काम चल रहा है। तो मैं आगे चलता हूँ वीडियो रोक करके, एक और चीज़ दिखाऊँगा आपको सही चीज़ में, तो दिखाता हूँ मैं आगे। ये देखिए गाइस, यहाँ पे रखा हुआ है और वो महिलाएं रोप रहे हैं बिहन को। तो देखिए कैसा रोपाई चल रहा है इधर पे, सही रोपाई चल
ऐसे ही रोपाता है हमारा, खाद देने के बाद ये पूरा बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही फसल तैयार होता है धान का। तो ये देखें रोपा रहा है यहाँ पे, मैं आगे वीडियो रोक के आगे चलता हूँ। ये देखिए गाइस आरी कैसा हो चुका है पूरा, मतलब इस पर से हरे घास निकाल दिए गए हैं ताकि धान के लिए खराबी ना करें। और मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक वहाँ पे एक ट्रैक्टर चल रहा था, ट्रैक्टर कादू करता है गाइज। और पहले आपको अब ट्रैक्टर दिख रहा है, ये तो डेवलप हो गया, पहले इसमें वो चलता था, हल चलता था, हल जैसे चलता है ना गाय वाला, ए बैल वाला, तो वैसे ही चलता था पहले, बैल से कादू किया जाता है। और अब देखिए कितना मस्त हो चुका है कि अब धीरे धीरे डेवलप हो गए हैं किसान लोग भी। तो ये देखे आपको मैं पूरा एक बार और घुमा करके दिखा देता हूँ कितना काम कर रहे हैं किसान भाई लोग। हर तरफ आपको ही मिट्टी ही मिट्टी दिखेगा, कादो ही कादो दिखेगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत किया जाता है धान को पैदा करने में, बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है धान को पैदा करने में गाइस। तो गाइस मैं एक दूसरी जगह गया था, उसका मैं वीडियो इसमें जोड़ दे रहा हूँ, तो वीडियो भी देख लीजिएगा, वहाँ पे वो है धोड़ा है, नदी है, तो वो देख लीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, वो वीडियो में मैं बढ़ता हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दें। ये देखिए गाइस ये अभी तुरंत का जुताया हुआ है खेत, कैसा है पूरा, मतलब कादो ही कादो, कादो ही कादो। और मैं बताना चाहूँगा कि ये धान रोपने का सिस्टम लगभग 15 दिन में ख़त्म होगा पूरा, तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत, मतलब ये धान का पूरा पैदा होता है 6 महीना में, मतलब चावल तक 6 महीना लग जाता है पूरे चावल बनाने तक। तो ये देख लीजिए आप एक बार, और ये लगभग पूरा मेरा हमारा बांध में पूरा रोपने, रोपते रोपते लगभग 15 दिन लग जाएंगे। तो ये देख लीजिए एक बार, और बहुत ही किसान भाई लोग मेहनत करते हैं गाइज, धान उगाते हैं, तो उनके लिए सब्सक्राइब कर दें, बस बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड के पास ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके, अभी बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है। और मैं एक अनोखा चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये गेहूं का है, मतलब इसमें गेहूं डाल करके निकाला जाता है, गेहूं का मशीन है, गेहूं कटाने का मशीन है, तो यहाँ पे हमारे गांव में अवेलेबल है, तो देख सकते हैं आप। और शाम का समय हो चुका है, तो मैं वीडियो यहीं पे रुकता हूँ, वो दूसरा एक वीडियो था मैं जोड़ देता हूँ, तो देख लीजिएगा वो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। वैसा वैसा वीडियो मैं लाता रहूँगा, नेचर रिलेटेड, पूरा नेचर रिलेटेड वीडियो मैं लाने की कोशिश करता हूँ गाइज, ताकि आपको बहुत ही अच्छा लगे। और ये देखिए गाइज यहाँ पे एक नदी के पास में अपना, हमारा नदी के पास पहुंच चुके हैं, तो बस वो वीडियो के मैं जोड़ देता हूं, वो वीडियो देखिए आप बस। A few moments later. देख गाइस पूरा पानी गिर रहा है यहाँ पे, जाल लगाया हुआ है मछली को पकड़ने के लिए, आगे से पानी आता है और मछली इसमें आ जाता है पूरा। तो ये देखिए कैसा ये लगाया हुआ है यहाँ पे, और आगे से पानी आ रहा है और इसमें पूरा मछली गिरेगा तो हो जाएगा, मछली आ जाएंगे इसमें पूरा, इसमें जाल है ये गाइस, मच्छरदानी जानते हो, जो मच्छर से बचने के लिए उसी का यूज किया गया है मछली पकड़ने के लिए। और इधर देखिए ये धान का है फसल, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हुआ है बहुत सारा हमारे तरफ धान का फसल, तो दूर दूर तक देखिए उधर तक धान का फसल है। ये पानी गाइस धोड़ा में जाता है, मैंने आपको धोड़ा दिखाता हूँ, देख कितना दूर तक पानी जा रहा है यहाँ से। ऐसे ही हमारे तरफ खेती होता है, एक अहरा है एकदम उधर साइड पूरा दूर तक, और वहाँ से पानी गिरता है, वहाँ से आते आते यहाँ तक आता है।
यहरा में से पानी आ रहा है पूरा दूर से। वो आपको हरा हरा दिख रहा होगा, वो है धान का फसल। देखा एक पुल है, मैं यहाँ पे आया हूँ पुल के ऊपर और ये पानी जा रहा है। देखिए यहाँ से ये पुल है, ये गाइस एक धोड़ा में जा रहा है और ये धोड़ा नदी में मिल जाता है। मैं नदी को दिखाऊंगा, देखिए गाइस ये पानी एक अहरा से आ रहा है। मैं दिखाता हूँ, यहाँ से दिखेगा तो नहीं, तो ये देखिए आपको वहाँ पे सीधा दिख रहा होगा कुछ ताड़ के पेड़। ताड़ मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या है, तो वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ताड़ का पेड़ दिख रहा है, वहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ एक अहरा है गाइस, वहाँ से पानी आ रहा है। और वहाँ से पानी आने के कारण ये आपको पूरा दिख रहा होगा, इधर से इधर खेती होता है, वहाँ से पानी आता है इधर। वहाँ पानी आने के कारण पूरा खेत में सब में पानी चला जाता है, ताकि उसी से खेती होता है इधर। तो ये देख लीजिए, पहले एक इधर साइड में नदी है और ये हम हाईवे रोड पे हैं तो दिक्कत हो सकता है, आएगा गाड़ियों की आवाज़, तो क्या कर सकते हैं, वो उनका काम है तो करेंगे। इधर एक खेत है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दें ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके पास जरूर से जरूर पहुँचे। आज मैंने आपको दिखाया धान का फसल कैसे होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत। लॉकडाउन में घर पे रहें, सेफ रहें। जय हिंद जय भारत।